जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और पाइए न्यू वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैन धर्म में शिव शंकर को कैसा माना गया है। साथ ही हम देखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान और शिव शंकर भोलेनाथ में क्या क्या रहस्य एवं समानताएं हैं। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जैन धर्म और शिव शंकर भोलेनाथ से संबंधित अद्भुत एवं आश्चर्यजनक सच्चाई वाले 11 फैक्ट्स बताए गए हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मित्रों, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव भगवान श्री ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, साथ ही शंकर जी को भी हिंदू धर्मानुसार देवों की प्रथम श्रेणी में माना गया है। अर्थात दोनों ही धर्मों में प्रथम देव है आदिदेव, दोनों ही प्रथम माने गए हैं। फैक्ट नंबर 2, मित्रों, जैन धर्मानुसार प्रथम तीर्थंकर आदि विदाता श्री आदिनाथ जी एवं शिव शंकर भोलेनाथ जी दोनों ही जटाधारी अर्थात लंबे केश वाले थे। फैक्ट नंबर 3, मित्रों, दोनों ही प्रथम देव का स्वरूप दिगंबर माना गया है। जैसे देवादिदेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान जब तपस्या करते थे तब उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होता था, इसी कारण से आदिनाथ भगवान दिगंबर थे। बात यदि हिंदू धर्मानुसार शिव शंकर की जाए तो भर्तहरि ने वैराग्य शतक में शिव शंकर को दिगंबर लिखा है, साथ ही वेदों में भी शिव शंकर को दिगंबर कहा गया है। मित्रों, भर्तहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है कि एकाकी निष्प्रह शांत पानी पात्रो दिगंबर। इसी प्रकार से लिंग पुराण में लिखा गया है कि नग्नो जटो निराहारो चिरी द्वांत गतो हिसह निराशस्त्य संदेह शेव माप परम पद्म। मित्रों, वैदिक ग्रंथों में भी शिव को दिगंबर की मुद्रा बताई गई है। नमः शिवाय एक प्रसिद्ध स्त्रोत है, उसमें शिव की दिगंबर मुद्रा का उल्लेख है। इसी प्रकार से है जैसे दिव्याय देवाय दिगंबराय। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4, मित्रों, दोनों देवों के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। महान आचार्य श्री जिनसेनाचार्य जी ने हर शब्द का प्रयोग भगवान ऋषभ देव जी अर्थात आदिनाथ जी के लिए किया था। उन्होंने लिखा है कि दुरितारी हरोहर, इसका अर्थ है हे तीर्थंकर ऋषभ देव, आप पाप रूपी शत्रुओं का हरण करने वाले हर हैं। एवं हिंदू धर्मानुसार भी शिव शंकर जी के लिए भी हर हर महादेव का उच्चारण किया जाता है। मित्रों, इसी कारण से यदि देखा जाए तो दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। फैक्ट नंबर 5, मित्रों, जैन धर्म में पूज्य श्री ऋषभ देव जी एवं हिंदू धर्म में पूज्य श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी, इन दोनों ही देवों को नाथों का नाथ अर्थात आदिनाथ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, मित्रों, दोनों पूजनीय प्रभु कैलाशवासी हैं। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी ने कैलाश पर्वत से ही तपस्या कर कैवल्य ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था, एवं शिव शंकर का भी निवास स्थान कैलाश पर्वत ही है। फैक्ट नंबर 7, मित्रों, दोनों ही महादेवों के दो प्रमुख पुत्र थे। जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के भरत एवं बाहुबली जी एवं शिव शंकर जी के गणेश एवं कार्तिकेय प्रमुख थे। फैक्ट नंबर 8, मित्रों, दोनों का ही संबंध नंदी अर्थात बेल से है। जैसे प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभ देव जी का चरण चिन्ह बैल अर्थात नंदी है, इसी प्रकार से शिव शंकर जी का सेवक भी नंदी ही है। फैक्ट नंबर 9, मित्रों, जैन पुराणों के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ देव के निर्वाण स्थल पर घंटाकार मंदिर बनवाया था, उसके पश्चात ही हो सकता है कि उसी के प्रतीक स्वरूप शिव का घंटाकार शिवलिंग बना दिया गया हो, ऐसा जैन साहित्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्री कांता प्रसाद जी जैन का मानना है।
फैक्ट नंबर 10, मित्रों एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्या शिव और ऋषभदेव दोनों एक ही थे? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। जैन ग्रंथों में दोनों को एक माना गया है, कैसे? चलिए देख लेते हैं। श्री आचार्य भट्टा कलंक जी एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उनका एक लोकप्रिय काव्य है अकलंक स्तोत्र, उसमें लिखा गया है कि सोस्मान पातु निरंजनो जिन पति ही सर्वत्र सूक्ष्म शिवः। मित्रों इसी प्रकार से श्री जैन आचार्य मांतुंगाचार्य जी के भक्तामर स्तोत्र आचार्य श्री मांतुंगाचार्य जी ने कहा है कि नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनिन्द्र पंथा। आप देख सकते हैं इसमें भी शिव का उल्लेख किया गया है। मित्रों डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। उनके कथन से पता चलता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव जी और शिव दोनों अभिन्न हैं, अर्थात एक ही हैं। मित्रों कालांतर में संप्रदाय भेद से ये दो भागों में विभक्त कर लिए गए हैं। ये दो भागों में विभक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने उन्दिशा में जैन धर्म नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऋग्वेद में केशी तथा दिगंबर का जो वर्णन है वह जैनियों के भगवान श्री ऋषभ देव जी और हिंदुओं के भगवान श्री शिव जी को अभिन्न सिद्ध करता है। मित्रों जैनेन्द्र व्याकरण में लिखा हुआ मिलता है कि शांकरी जिन विद्या, अनेकों कोशकारों ने शंकर शब्द दिगंबर जैन अर्थ में लिया है। मित्रों मेदिनी कोशकार का कथन है कि दिगंबर स्यातः क्षपणे नग्ने तमसी शंकरे, महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 14 श्लोक 18 में कहा गया है कि ऋषभ पवित्राना योगिना निष्कलह शिव। वाचस्पति आदि ने स्पष्टतः शंकर और शिव को दिगंबरत्व से संबंधित बताया है। ये शिव ऋषभदेव के अतिरिक्त अन्य नहीं है। ऋषभदेव का एक नामांतर शिव ही था, शंकर और शंभु भी उनके ही नामांतर थे। फैक्ट नंबर 11, अ पीप इनटू जैनिज्म के संशोधित संस्करण में एडवोकेट श्री जय भगवान जी जैन ने पेज 10 पर लिखा है कि इट वॉज अगेन लॉर्ड ऋषभ हु एज विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन केम टू बी वर्शिप्ड एज ए शिवा शंकर विष्णु एंड महादेवा। मित्रों इसका अर्थ यह है कि यह भगवान ऋषभ ही थे जिन्हें बाद में शिव शंकर विष्णु और महादेवों के नाम से पूजा गया। मित्रों सच्चाई जो भी हो किंतु दोनों ही धर्मों के प्रमुख देवों में समानताएं देखकर तो यही लगता है कि दोनों एक ही महापुरुष थे, किंतु यहाँ हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ऋषभदेव और शिव एक ही हैं। यहाँ उनकी समानताओं के बारे में कुछ बिंदु हमने आपको बताए। दोनों ही देव प्रथम देवों के रूप में हिंदू एवं जैन धर्मों में पूजनीय हैं। इस वीडियो को शेयर कर धर्म की प्रभावना कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।